कि आप नेक्स्ट माइलस्टोन कब क्रॉस करोगे, नेक्स्ट स्पीड का माइलस्टोन कब क्रॉस करोगे, तो शायद आप भूल जाते हो कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है। What's up guys, this is Varian Man Alpha. भाई थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ ख़राब आ सकता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा पीपॉय भाई का व्लॉग, जिसमें वो वही चीज़ बता रहे हैं जो मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, बट आप लोगों को समझ तभी आता है जब कोई 1-2 मिलियन वाला वो बात बताता है। तो भाई सेम चीज़ भाई भी यही दिखा रहे हैं कि गलती किसकी है किसकी नहीं है वो तो पुलिस करेगी ही करेगी, बट जो बात आ रही है उठ के वो कल्चर की आ रही है, वो बाइकिंग कम्युनिटी की आ रही है, वो रियल बाइकर्स वर्सेस फेक बाइकर्स की आ रही है। आजकल कंपटीशन चल रहा है, आमिर माजिद इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज रूल्स पहले तो 309 क्रैक करते हैं अपनी सुपर बाइक पे यमुना एक्सप्रेसवे पे। अब जिस लोग को फॉलो कर रहे हो उसकी गलती आ रही है, पर आप लोग तो भाई बेशरम डीट इंसान हो भाई, सीधे कमेंट आमिर ओपी, आमिर राइट, आमिर गॉड, आमिर भाई कसम से भाई अलग, अंधी जनता पाल रखी है भाई अंधी जनता। मैं बता रहा हूँ ये बाइकिंग कम्युनिटी तो गड्ढे में जा ही रही है, पर सोशल आप मुझे बताओ यार, समझनी जरूरी है। और मैं चाहता हूँ वो भी अपने हर वीडियो में इस हैशटैग को यूज करना शुरू करें कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। चीज आपको क्या लगता है यूट्यूब जब से चालू उससे पहले से लोग बाइकिंग नहीं कर रहे, उससे पहले से लोग लेह लद्दाख नहीं होके आ रहे, उससे पहले से लोग अपने पैशन के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाके बाइकिंग नहीं कर रहे? ये जब से यूट्यूब आया मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई उसके बाद से धीरे धीरे पहले अच्छा कल्चर था। अभी हमने राइड करी, वी डिड द राइड लाइक मेन, और जो मेन होते हैं वो राइड ऐसे नहीं करते, ओवर स्पीड नहीं करते। द रियल राइडर्स, द रियल मेन आर द वंस हु फॉलो द रूल्स, द रियल राइडर्स एंड मेन आर द वंस हु केयर अबाउट अदर्स ऑन द रोड, द रियल राइडर्स एंड मेन वियर द गियर। आप मेरे वीडियोस में देखते रहेंगे पीछे भाई निखिल भाई को देखो कि भाई ही वाज ही इज एक्चुअली अ जेम राइडर यार, शुरू से बोलता आया हूं। उसके बाद निखिल को कई बार कंडेम किया है, बट मुंबई का निखिल में एक बात तो है, उसने कभी ये चीजें नहीं करी। एंड आई रियली वांट टू एक्सटेंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू दैट गाय, एंड आई थिंक ही इज इन द ट्रू सेंस द बेस्ट मोटरसाइकिल व्लॉगर ऑन यूट्यूब। एक भाई और थे उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, निखिल भाई के साथ ही है जिन्होंने वर्ल्ड टूर किया अपनी BMW 1250 पे, जिनको नाम पता है वो कमेंट में बता सकते हैं। तो यार ऐसे राइडर्स भी थे जो दिखाते नहीं थे। मोटोग्राफर भाई को देखो यार, संदीप गुर्जर भाई को, ही हैज अ कलेक्शन ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट बाइक्स इन इंडिया भाई, वन ऑफ द फाइनेस्ट बाइक्स इन इंडिया भाई। ऑस्ट्रेलिया में H2 राइड करते हैं, इंडिया में H2 राइड करते हैं, पर ऐसी हरकतें नहीं करते ना यार। क्यों अब सारे यूट्यूबर्स ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्यूट गर्ल क्यों चाहिए है, रैश क्यों चाहिए है, रोड रेज क्यों चाहिए? क्योंकि व्यूज उसका है। आजकल की जनता बिग बॉस देख के इतनी पागल हो गई कि उन्हें लगता है कि भाई ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्यूट गर्ल ने क्यों नंबर दे दिया इसको। अबे शक्ल देख अपनी, तेरे को कोई क्यूट गर्ल नंबर देगी? तेरे को कोई नॉर्मल गर्ल नंबर ना दे यार, मतलब अलग ही, क्या ही बोलूं भाई। ये बाइकिंग कम्युनिटी का कल्चर हो गया आज की तारीख में। तुम यूट्यूब पर ट्रेंडिंग सर्च देखोगे, ये सब ट्रेंडिंग सर्च में है, क्यूट गर्ल्स रिएक्शन भाई, इसके मिलियन मिलियन में व्यूज है। क्यों? क्योंकि जो मसाला बिक रहा है यार, सिंपल सी बात है, देखो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है। मसाला बिकता है, लोग मसाला दिखाते हैं, यूट्यूबर्स मसाला दिखाते हैं। अभी कल रात को मुझे 1-1.5 बजे के आसपास किसी भाई ने मैसेज किया कि सैमी भाई का वीडियो देखो भाई। अब वो सैमी भाई और लाइफ मोटो भाई के बीच में क्या बात हो रही है वो तो मेरे को नहीं पता, ना ही मैं उसको फॉलो करता हूँ सैमी को, कि मैं देखूँ कि भाई ये क्यों हो रहा है क्या हो रहा है। बट जिस तरीके से आप ओपनली बोल रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूँगा, इट इज़ नॉट अ गुड साइन, इट इज़ नॉट अ गुड, अगेन इट इज़ नॉट अ गुड इन्फ्लुएंस टू योर सब्सक्राइबर्स, बिकॉज वो ये देखेंगे यार कि मैं जिस इंसान को फॉलो कर रहा हूँ वो 2 मिलियन के आसपास बैठा है, और वो उसे लग रहा है कि YouTube ही सब कुछ है, उसे लग रहा है कि अगर YouTube चैनल बंद हो गया तो क्या दोबारा YouTube चैनल नहीं खुल सकता? अब जानू स्टंट भाई को देखो, उसका YouTube चैनल बंद हो गया था भाई, भाई ने दोबारा खोला, Instagram के थ्रू लोगों को प्रमोट किया, लोगों तक बात पहुंची कि भाई का चैनल बंद हो गया, विद इन आई थिंक 3-4 डेज में भाई दोबारा 100K पे था यार, क्योंकि वो जनता उसको चाहती है। वो जैसी भी राइडिंग करता है वो अलग चीज़ है, उस पर बाद में कमेंट करेंगे। मैं आपको एज ए ह्यूमन इन्फ्लुएंसर बता रहा हूँ कि भाई आप लोग अपनी जनता को दिखा रहे हो कि भाई अगर यूट्यूब चैनल बंद हो जाए तो सुसाइड कर लो, बस यही ऑप्शन बचता है। क्यों यार, दोबारा शुरू कर लो ना यार,
बाकी कितने सारे मोटो ब्लॉगर्स ने दोबारा स्टार्ट किया, कितनों का चैनल बैन हो गया, कितनों पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई यार। तो तुम ये चीज़ क्यों नहीं दिखा रहे, तुम ये चीज़ क्यों नहीं प्रोट्रे कर रहे कि भाई एक यूट्यूब चैनल से तुम क्या जीवन हार जाओगे? नहीं ना, तो उस चीज़ को दिखाओ ना यार। तो क्या बोलूँ यार, मेरे को सही में समझ नहीं आ रहा, और सही में दुख होता है ये सब देख के ना। मैं नहीं बोल रहा मैं बहुत बड़ा रियल राइडर हूँ या कुछ हूँ, पर मैंने वो फेस देखा यार जब बिना मोटो ब्लॉगिंग के लोग एक्चुअली में राइड करते थे, एक्चुअली में एंजॉय करते थे, और अब मैं फेस देख रहा हूँ कि भाई। तो किसी ने सही बोला था कि आमिर ने हेलमेट भी शायद इसलिए पहनी थी क्योंकि उसमें कैमरा लगाना पड़ता है, वरना तो वो हेलमेट भी नहीं पहनता। तो ये चीज़ तुम प्रमोट कर रहे हो, पीपोए भाई की ब्लॉग में देखो, भाई भी यही कह रहे हैं। देखो क्या बोलूँ यार, बहुत दुख होता है ये सब देख के। अभी तो बस वेट हो रहा है कि वो कैमरा मिल जाए। अंकल जी भी इंसाफ ही चाहते हैं यार, अंकल जी भी यही कह रहे हैं अपनी वीडियो में जो आज तक के थ्रू आई है कि मेरे को आप प्रूफ दिखाओ ना यार। काटती है उनका साइलेंसर नहीं तोड़ती, इसलिए सारे बाइकर माइंड में लगा रहे कि हमारी देहरादून की पुलिस बेकार है। आप चलान काट दिए ना उसका, 2,000 का, 1,000 का, 5,000 का, आप उसका साइलेंसर तोड़ रहे हैं, लाख लाख दो दो लाख रुपए के साइलेंसर। और वो उस बंदे से शिकायत पे कर रहे हैं, UK07 का मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, जिसने हर गाड़ी को रैप करा रखा है, जो आप RTO में भी चेक करेंगे दैट इज इलीगल। उसकी हर बाइक पे रैपिंग हो रखी है जिसका कलर चेंज है। अगर माना UK07 वाला कल किसी गाड़ी को टक्कर मारता है, उसकी गाड़ी पीली है लेकिन अंदर से वो गाड़ी सफेद है, वो तो कहता है मेरी गाड़ी नहीं है ये, अभी मैं आपको ऑब्वियसली कह रहा हूँ। और उसने भी एक वीडियो डाली है जिसमें मैं 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहा हूँ। अगस्ते की कोई वीडियो दिखा दो जिसमें वो 300 चला रहा हूँ, मैं मान लूंगा रैश ड्राइविंग। UK07 वालों ने एक वीडियो डाली, UK07 राइडर ने अपनी वीडियो डाली जिसमें वो 300 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चला रही है। उनका कहना है कि आमिर से उनकी बातचीत हुई, जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, परिवार का आरोप भी है, तो इनसे बातचीत करते। आपने जब आमिर माजिद को, दो बाइक वाले पहले चले गए थे जिसमें पहला नाम है आमिर का, वो पहले चला गया था अगस्त, उसके बाद गया तो जो पहला बाइकर गया वो आगे से व्हीली उठाता हुआ लेके गया, जिसकी जिसकी वजह से सब ने उसको देखा, जितने भी टोल वाले हैं, जितने भी पब्लिक थी, सबने उसकी वीडियो भी बना रखी है व्हीली मारते हुए। उसके बाद अगस्त निकला पीछे से, ये दोनों साथ ही राइड कर रहे थे। आमिर माजिद ने अभी यूट्यूब में वीडियो डाली है अपनी जिसमें वो अगस्त का दिखा रहा है लास्ट पॉट, और यहाँ एक्सीडेंट हुआ और यहाँ ऐसे नहीं हुआ। एक्सीडेंट की स्पॉट जब वो जा रहा था वहां से अगस्ते, आप भी देखो, कोई भी देखे, उसमें बिल्कुल 100 या 50 मीटर पीछे है उसके, और उसमें से 10 या 15 मिनट की जो क्लिप है वो क्लिप मिसिंग है। आप भी ये आशंका जता रहे हैं कि अगस्त को मारा गया है या किसी और तरीके से मारा है पर एक्सीडेंट नहीं हुआ। लोग पोप क्यों कर रहे हैं, प्रोप मत करो, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। वो Insta360 का है, पुलिस को अब तक Insta360 क्यों नहीं मिला? मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ भाई, पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करता हूँ आप लोगों की तरफ। एंड अगर आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि हाँ कि बंदा सही कह रहा है तो ठीक है, अगर आपको लोगों का आपका ओपिनियन अलग है इस बारे में कि यार ये पॉइंट ऐसा नहीं है वैसे, आप वैसे ही कमेंट करते तो मैं उसी टाइम जो मेरे को सही लगता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरे को नहीं लगता कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी यूट्यूबर है जो आपके हर कमेंट का रिप्लाई करके बता रहा है कि भाई मेरी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जितने लोग हैं आप बताओ जिस जिसने कमेंट किया अगर मैंने रिप्लाई ना किया हो, तो वो बात नहीं है यार। मैं सही में चाहता हूँ लोगों से कनेक्ट होना, कि मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल के दिमाग की साइकी में चल क्या रहा है, कि भाई सिर्फ क्यूट गर्ल चाहिए, सिर्फ रोड रेज चाहिए, कोई अच्छा ढंग का कंटेंट नहीं चाहिए, क्वालिटी कंटेंट नहीं चाहिए, ये सब मतलब फिर मोटो ब्लॉगिंग क्यों है, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग बोलो ना यार। तुम फिर मोटो ब्लॉगर नहीं हो, तुम लाइफस्टाइल ब्लॉगर हो। मोटो ब्लॉगिंग में तुम्हें बाइक के बारे में बताना चाहिए, भाई इसकी BHP इतनी, इसकी पावर इतनी, बाइकें तुमने 8-8 खरीदनी है, 7-7 खरीदनी है। UK07 भी बाइक का नाम नहीं पता, मेरे साथ खड़े होके बोल रहा है ये V4S है, V4 है। अरे यार सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन जा रहा है तो V4S है यार, ये तो बेसिक नॉलेज है भाई। तुम्हें ये सब पता नहीं क्योंकि सिर्फ पैसा है ना यार, तुम्हें BHP पता नहीं क्योंकि सिर्फ पैसा है ना यार, तुम्हें टॉर्क पता नहीं क्योंकि सिर्फ पैसा है ना यार। बात ही सिर्फ वही है कि जब पैसा आ रहा है तो चीज़ें के बारे में क्यों समझे। क्यों हम कह रहे थे कि अपने बाइक के साथ कनेक्ट करो, वाई डू पीपल से कि यार अपनी बाइक के साथ जब तुम 1,000-2,000 किलोमीटर चलते हो उसके बाद तुम्हें एक्चुअली पता चलता है कि उसकी पावर क्या है। तुम्हें उसकी पावर टेस्ट करनी है, ट्रैक पे जाकर टेस्ट करो यार, रोड पे क्यों टेस्ट कर रहे हो। और मैं ये सबको बोलना चाहता हूँ जो ये 300-300 वाला जो मजाक चल रहा है आज के यूट्यूब पे, इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन।